इसको बोलते हैं चोलगी, ये है पक्का वाला चार। पता नहीं बाकी ने बहुत ज्यादा है भैया। हेलो दोस्तों, जोहार नमस्ते, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोष दुबे ब्लॉग में। और गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जंगल की ओर, और ये देखो जगदेव, तो अभी हम जा रहे हैं चार खाने के लिए। तो और नहीं देखे होंगे तो हम दिखा देंगे, और देखे होंगे तो जानते होंगे कैसा दिखता है और कैसा लगता है। और अभी हम जंगलों के बीच में हैं, जंगल नहीं है ये, पूरा एक भर्री है। और दोस्तों अभी हम चार पेड़ के पास पहुंच चुके हैं। ये है चार का पेड़, ये देखो इधर एक और है। तो गाइस यहाँ पर इस पेड़ को रखवाली करते हैं, तो अभी रखवाली करने वाला दिख नहीं रहे। तो दोस्तों ये देखो हमें पका हुआ चार ऊपर मिल गया, और हल्का हल्का मीठा और हल्का हल्का कच्चा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से पका नहीं है। तो भाई ये चार इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ पर लोग रखवारी करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका पता नहीं क्या उपयोग है, लेकिन गाइस इसका कीमत बहुत ज़्यादा है, कीमत बहुत ज़्यादा है, लगभग कितने है पता नहीं बाकी ने बहुत ज़्यादा है भैया, 60-70 वही 50 रुपये हो गए। और गाइस इस चार का बीज का कीमत होगा लगभग 50 रुपये होगा, और ये जंगल में पाया जाता है, इसी लोग इसका देखभाल करते हैं। और दोस्तों ये देखिए जंगल में सौर पैनल लगा है, और अभी इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है, बस लगा दिए हैं। और ये है मऊहा का पेड़, और सामने देख रहे हैं सराई का पेड़। ज़्यादातर आपको मऊहा ही देखने को मिलेगा, मऊहा चार और सराई और क्या तेंदू और परसा, छोटे छोटे परसा का पौधा भी है क्या। और गाइस हम जो पहले चार देखे थे वो उसमें थोड़े थोड़े पक चुके थे, और अभी इस वाले हम देख रहे हैं इसमें भी फल लगा है, लेकिन अभी पका नहीं ये वाला। और दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूँ, ये है एक चार का छोटा सा फल, और गाइस इसके अंदर का एक कठोर बीज होता है, उसको आप खाते रहते हैं, मतलब उसको चबा चबा खाते हैं, तो हो सकता है आपका दांत टूट जाए, क्योंकि भाई ये इतना कठोर होता है कि लगातार आप इसको चबा नहीं सकते हैं। और गाइस ये देखो जगदेव ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, और देखो ऊपर से तोड़ा है भाई, ये है पक्का वाला चार। और गाइस ये चार का पेड़ देख रहे हो, ये उन लोगों की वजह से बचा है जो इसको तोड़कर बेचते हैं, बाकी तो सब लकड़ी के लिए काट देते हैं नीचे से। और दोस्तों अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और गाइस अभी गर्मी बहुत तेज़ हो रहा है, और ये देखो ये दोस्तों अभी मऊहा बीनकर जा रहे हैं। तो जंगलों में टाइम तक काम करते रहते हैं। गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो आज का मऊहा एक टुकना, ये देख रहे हो चोलगी है, ये पूरे बांस का बना हुआ है, और पहले के लोग ऐसे ही बनाकर मऊहा को बीनते थे, तो इसको बोलते हैं चोलगी। देखो कैसे बनाए हैं भाई, तो ऐसा ऐसा पीली फूटता है पैरों के, ऐसा खनता है, ये देखो छोट छोट है। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, तो गाइस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
तो चलिए गाइस कल मिलते हैं।